हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द स्केचर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस प्रकार से आप योनो एसबीआई के थ्रू अपने किए गए फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को तोड़ सकते हैं या फिर रिडीम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप योनो एसबीआई के थ्रू अपने किए गए अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट करके रख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप योनो एसबीआई वाले ऐप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के लिए दो तरीके हैं, यहाँ पे आप एम पिन या यूजर आईडी के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं एम पिन के थ्रू लॉगिन हो जाती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने फिक्स्ड किए गए अमाउंट को तोड़ना है तो उसके लिए आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपको कौन से अमाउंट को रिडीम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटे वाले अमाउंट को रिडीम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्लोज योर फिक्स डिपॉजिट, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एक और बार आपको कन्फर्म करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मैसेज आ गया है यू हैव सक्सेसफुली क्लोज द फिक्स डिपॉजिट। मैं ओके पर क्लिक कर लेती हूँ, और लॉग आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लॉग आउट ज़रूर करें इस ऐप को। और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।